अच्छा, ये तो होगी बारिश की बात, उसके साथ आपने बोला कि लूज मोशंस की शिकायत लेके भी लोग बहुत आ रहे हैं, या फिर वो भीग के आया और उसको लूज मोशन की भी शिकायत उसने आपसे की, तो क्या बारिश के समय हमें अपने खान पान पे किस तरह का ध्यान देना चाहिए? जो पौष्टिक भोजन हम कहते हैं कितनी देर का पका होना चाहिए, कितनी देर बाद का खाना नहीं खाना चाहिए? देखिए, कोशिश करना चाहिए कि खाना बिल्कुल फ्रेश पका हुआ ही खाएं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि फ्रिज में रखा हुआ भी ना खाएं। क्योंकि आम तौर पे क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि ये तो फ्रिज में रखा था, हमारे सबके घरों में आदत है कि खाने को फ्रिज में से निकाल के थोड़ी देर बाहर रख देते हैं, फिर हमने गर्म किया और हमने खा लिया। अब ये जो एनवायरनमेंट बैक्टीरिया को मिलता है या वायरसेस को मिल रहा है, उनके लिए बहुत अनुकूल एनवायरनमेंट होता है। या तो हम उसे बॉइलिंग वाटर के लेवल पे हम उसे हीट करें, तब वो आपकी जो भी डिश है या खाने की चीज़ है, तब वो प्रॉपर उसके अंदर से कीटाणु जो उसको में ग्रो कर रहे हैं वो ख़त्म होंगे। लेकिन अगर हम रख के फ्रिज से बाहर निकाल के, नहीं रूम टेम्परेचर पे आ जाए मैं वो खाना खा लूँगा या खा लूँगी, या फिर उसे हल्का सा गर्म कर लें, वो क्या करते हैं, वो उस एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया को एक बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें वो ग्रो करते हैं। और हम अपने तौर पर वो खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं, लेकिन वो इनफैक्ट क्या होता है, इन्फेक्टेड फूड होता है, और वो हमें डिफरेंट तरह के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स वगैरह देता है या फीवर देता है। और हम क्या करते हैं, यूजुअली हमारी प्रैक्टिस में भी क्या, हम लोग अपने पेशेंट से पूछते हैं आपने कहीं बाहर का खाना तो नहीं खाया, एंड आप मानेंगे नहीं, इनवेरिएबली 70-80% ऑफ पेशेंट्स ये बोलते हैं कि सर मैंने तो कहीं बाहर का खाना खाया नहीं, मैं तो सिर्फ घर का ही खाना। तो दैट मीन्स हमारी जो प्रैक्टिस है उसी में थोड़ी कमी है ना, हमें उसी खाने को जो हम सोच रहे हैं कि हमने गर्म कर लिया और वो खाना हमारे लिए एकदम तैयार हो गया खाने के लिए, वो नहीं होता है। इनफैक्ट हमें उसे पूरा बॉइलिंग वाटर लेवल पे हमें उसे हीट करना है, तब जाके, और वो भी नहीं कि सिर्फ बॉइलिंग वाटर में, एटलीस्ट 3-4 मिनट्स तो मस्ट है उस खाने को हमें बॉइलिंग वाटर पे के लेवल पे उसे हीट करके, उसके बाद हम खाएं तो ठीक है। वैसे मैं कहूँगा, अगर मुझसे आप पूछेंगे, मैं ये कहूँगा कि पहली चीज़ हमें करनी चाहिए कि जितना हम पकाएं उतना ही खाएं। फॉर एवरी मील इट शुड बी अ फ्रेश मील, फ्रेशली कुक्ड मील, वी शुड नॉट टेक एनी कुक्ड फूड, और रखा हुआ खाने को हम सेवन ना करें। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो घर में फ्रिज में लोग भर भर के खाना रख देते हैं और फिर कहते हैं कि जी आराम से खाते रहेंगे, वो बाहर के खाने से ज़्यादा हानिकारक? डेफिनेटली, बिल्कुल, ये हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मिल रहा है। लोग बाग आपको बोलेंगे कि 70-80% पेशेंट्स आपको बोलेंगे कि सर मैं तो बिल्कुल बाहर का नहीं खाना खा, सिर्फ बिल्कुल घर से। तो दैट मीन्स वो चीज़ जो अगर उन्हें इफेक्ट कर रही है तो वो हमारे घर से ही आ रही है, और घर से कहाँ से आ रही है, हमारी प्रैक्टिस से। तभी मैंने कहा कि फ्रेश खाएं और फ्रेश पकाएं और फ्रेश खाएं। तो क्या ऐसा भी है कि इस सीज़न में कुछ कम खाना चाहिए, मतलब जितनी भूख लगी हो उससे इतना 80% ही खा के छोड़ दें, पेट थोड़ा खाली रखें, क्या ये भी कुछ मौसम के हिसाब से मैटर करता है क्या? देखिए, इन जनरल हमारे को एक अपने सिस्टम को ना ओवरलोड नहीं करना चाहिए, तो हमेशा वी शुड ऑलवेज कीप लाइट, जिसको ताकि हम हजम भी कर सकें, और जितना भी आप करेंगे उसके बाद और कुछ नहीं। आपने अगर ओवरलोड कर लिया अपने सिस्टम को, तो अब हमें नहीं मालूम कि कब आपको सिम्टम्स आए। अगर इतना हैवी हो जाए, कहीं लोग बाग जाके उनको, कई लोग आते हैं कि सर मैंने ओवर ईटिंग कर ली, मेरे को उसके बाद वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो रही है, मेरा बहुत हैवीनेस हो रहा है, तो उसके भी अपने हैं। लेकिन लाइट रखना, जैसे आपने कहा कि 80% के आसपास हम खाना खाएं, तो दैट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, थोड़ा लाइट रखना ज़रूरी है। बाकी कोशिश हमें इन जनरल भी ये करनी चाहिए कि ब्रेकफास्ट अपना सबसे हैवी रखना चाहिए, लंच सबसे उससे थोड़ा हल्का, और डिनर शुड बी एब्सोल्युटली द लाइटेस्ट। सर, एक जो सबसे बड़ी आजकल की प्रॉब्लम है, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, और आप भी उसको शायद फेस करते होंगे, कि हमारे खाने का टाइमिंग, ब्रेकफास्ट हम कहते तो हैं, लेकिन वो जो टाइमिंग है ना, वो आप डॉक्टर जो कहते हैं, वो कहते हैं 8 से 9 हो, या 7 से 8 हो, या 8:30 तक हो जाना चाहिए, लेकिन वो कभी 8:30 तक ख़त्म नहीं होता, वो शुरू ही 10 बजे होता है, कभी कभी वो 11 बजे मील चला जाता है, और लंच हमारा 3, 3:30, 4 बजे चला जाता है, और रात का खाना वो कुछ 10, 11, 12 बजे तक चला जाता है, और ये आम प्रैक्टिस है, वो कोई भी इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में बचा नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि उन्हें किस तरह से अपने आप को हेल्दी रखना है, हम लोग सभी उससे वास्ता रखते हैं? देखिए, इन जनरल अगर हम बात कहें, अगर आपको, जैसे मैंने पहले कहा, मैं आप उसको दोबारा से रिपीट करूंगा, टेक ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस, एंड डिनर लाइक अ बेगर, यानी तीनों मील्स में ये हमारा हमेशा वो चेंज होना चाहिए। डिनर शुड ऑलवेज बी लाइटेस्ट। अदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज, खाना खाने के एटलीस्ट हम 1 से 2 घंटे तक बिल्कुल ना सोएं। कोशिश करें कि खाने के बाद हम थोड़ा सा अपना मूवमेंट रखें, ऐसा नहीं कि खाना खाया और हम उसके बाद सीधा सो गए, वो हमारे लिए, इवन हेल्थ के लिए, दैट लीड्स टू इवन ओबेसिटी आल्सो। खाना मूवमेंट ही नहीं हो रहा, हमारे इंटेस्टाइन में भी कितना आपका सिस्टम सपोर्ट करेगा। तो उस वजह से, वैसे आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि ठीक है, आप वो ब्रेकफास्ट का टाइम 7 से 9 के बीच में रखें। यूजुअली हम भी अगर
ऑफ ड्यूटी आवर्स होते हैं या कभी अगर अपने काम में बिजी हो जाते हैं तो हमारी भी शेड्यूल्स मील के एब्सोल्युटली चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये है कि उसे अकॉर्डिंगली हमें अब अगर हमें इस एनवायरनमेंट में इस दुनिया में एग्जिस्ट करना है तो थोड़ा तो मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ेगा। इतना मैं आपको कहूँगा कि हमारा सिस्टम हर चीज़ को सपोर्ट करेगा प्रोवाइडेड वो एक हेल्दी हो और एक नियमित तौर से चले कि खाने के बाद इमीडिएटली सोना जाए, थोड़ा सा हम गैप दे के एटलीस्ट 1 से 2 घंटे तो नहीं सोना चाहिए खाने के बाद, क्योंकि वो खाना अंदर जीआई ट्रैक में भी पहुंच जाएगा और उसका प्रॉपर डाइजेशन होना शुरू होगा।